राम राम किसान भाइयों। पपीते की फसल में फंगस लग जाने से पौधे एक ही दिन में पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। ये आप प्लांट देख सकते हैं जो फंगस से हमारा खत्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं पपीते में फंगस किस प्रकार लगता है और कहाँ से पौधा समाप्त होता है। तो ये देखिए, ये कल हमारा जो पौधा स्वस्थ और हरा भरा दिखाई दे रहा था, आज सूख गया है। अब हम देखेंगे कि जो इसका जो तना है जो मिट्टी में दब रहा है, यहाँ से सिर्फ एक आंगल की निचाई पर यानी गहराई पर जो हम खुदाई करेंगे तो देखेंगे जो तना है हमारा वह पूर्णतः गल चुका है। और लगभग आपका एक या दो आंगल का जो तना है वही गलेगा। उसके नीचे जो आप देखेंगे खुदाई करके तो जड़ है जो पूर्णतः आपको स्वस्थ मिलेंगी। ये देखिए आप हमारे ऐसे कम से कम प्लांट 10 से 12 प्लांट हमारे ख़राब हो चुके हैं पपीते के। ये सिर्फ अत्यधिक पानी की वजह से जो हमारे यहाँ पर लगातार 4 से 5 दिन बारिश हुई थी। ये देखिए जो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इस प्रकार हमारे 4 से 5 दिन लगातार पानी भरा रहा जो पपीते की फसल में। तो इससे हमारे जो प्लांट है काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं, यानी लगभग हमारे 150 पौधों में से 20 से 30 पौधे खराब हो चुके हैं। और इनके उपाय के लिए हम बेस्ट फंगिसाइड का उपयोग कर रहे हैं। तो ये देखिए जो आप फिर से एक बार वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यदि आप पपीते की खेती करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। यदि आप पपीते की खेती पहले से कर रहे हैं तो हमें सुझाव हुए किस प्रकार फंगस से बचाव आप करते हैं आपकी पपीते की फसल का, वह हमें कमेंट करके बताएं। तो हम यहाँ पर बेस्ट फंगिसाइड साफो पाउडर और एक आता है वेन लिक्विड में, उसकी हमने यहाँ पर ड्रेंचिंग की है। ड्रेंचिंग हमने 30 ml वेन लिया है और 30 ml फंगिसाइड पाउडर लिया है 30 ग्राम। उनको मिश्रण करके 15 लीटर पानी में और इनकी ड्रेंचिंग की है हमने अच्छी तरह। और अब हम इसके परिणाम 3 से 4 दिन बाद फिर एक बार इनकी ड्रेंचिंग करेंगे तो देखते हैं किस हद तक हमें जो इनसे बचाव मिलता है। ये देखिए और भी पौधे हैं, बहुत जल्द हम वीडियो लेके आएंगे पपीते की खेती पर कि हमारे जो स्वस्थ हुए हरे भरे पौधे हैं वो किस प्रकार ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन ये जो फंगस है अचानक से एकदम से पौधों में आ जाती है और आपका पौधा 1 से 2 दिन में पूर्णतः ख़राब हो जाता है। तो इससे किसान भाइयों को निराशा हाथ लगती है। पपीते की हम यहाँ पर जो हमने एक किस्म बोई है टॉप हाइब्रिड क्वालिटी ग्रीन बेरी बोई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें किसान भाइयों।